इनको कब से प्रॉब्लम रही है आपको पेट की? मेरे को पेट की प्रॉब्लम करीब 5-6 सालों से चली आ रही है। उसकी वजह से मेरा बीपी भी शूट अप होने लगा था और गैस मेरे सीने पे भी चढ़ती थी और सिर पे भी चढ़ती। इसकी वजह से मुझे चक्कर भी आता था और सीने पे जकड़न सी रहती थी। तो मैं कभी पेंटॉप के इंजेक्शन लगवाता था या कभी इस तरीके से कुछ चीजें लगवा के अपने शरीर को चला रहा था। लेकिन अब मुझे आज थेरेपी के थ्रू ये पता चला कि ये परमानेंट क्योर हो सक किया जा सकता है इसको, और हम अच्छे से रिकवर हो सकते हैं, ना कि हम दवाइयों के सहारे चले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर ने। ये सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग खास तौर पर इंजेक्शंस ले रहे हैं या मेडिसिन ला रहे हैं, डीएसआर ले रहे हैं, ओसिड खा रहे हैं और रेगुलरली परेशान है अपनी पेट की प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से आपको हार्ट की या और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इन तमाम चीजों से भी आप बच सकते हैं और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपको हक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एसिडिटी, गैस बहुत बनती है पेट में, बहुत तकलीफ रहती है, मुझे भूख नहीं लगती है ठीक, बहुत परेशानी रहती थी। मैं डॉक्टर दवा लेती थी तो मेरे लीवर पे फैक्ट्स आए, इस वजह से वो नुकसान देती है, पर यहाँ की दवा से मुझे बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलीफ मुझे है और बहुत अच्छी दवा यहाँ की है। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे इलाज करा रही हूँ। पी लिया जी, पीला पेशाब आता 1-1.5 महीने से, न भूख लगती, इलाज हुई हमारे यहाँ के संभल के, 10-20 मेरे सही होकर गए। मैं को सुकून है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी मुझे, अब लग रही है। वो तो पेशाब बिल्कुल कोको कोला जैसा आ था, काला तो पीला हो गया, कभी सफ़ेद आ लगा कभी पीला, सुकून है। बुखार आया था, पीलिया बना, पेशाब में जलन थी, कमजोरी बहुत थी, भूख न लगती थी। 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और मेरे को शुगर की बीमारी है और मैंने काफ़ी इलाज करवाया इधर इधर, दुनिया भर के पैसे महंगे से महंगे इलाज कराए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से दवाई ले रहा हूँ। भाई टेंशन मेरे को, बड़े बच्चा बीमार हो गया, उसको किडनी की परेशानी है, उसकी वजह से ही है। पहले मतलब शुगर नहीं था, अब शुगर की भी दवा चल रही है, पैर के दर्द की भी, एलर्जी भी है। पहले मैंने बहुत दवाई खाई, आराम नहीं पड़ा, यहाँ तो मेरा आराम है। मेरी परेशानी भी शुरू हो गई, जब भी मौसम चेंज होता था मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए मेरे को मैंने काफ़ी इलाज कराया, पंत में, अरविंद में, सब जगह, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। किसी ने मुझे बताया कि दवाइयों के पैसे और वहाँ से दवाई मिलती है, तो इसके ना पैर सूज जाते हैं, इसके गैस बनती है और हुचकी लगती है, और इसके ना पैर वैर सब सूजन आ जाती है, चलने फिरने से भी, भूख भी नहीं लगती इसे, और हुचकी लगती है तो ना सांस नहीं जुड़ता, हाथ पैर में बुखार भी चढ़ता है, इसे ज्यादा नजला बहुत हो गया। मेरे दिमाग में बहुत दर्द उठता था तो उसी की दवाई ली मुझे आराम, बताता रही कि पेट में वो गैस के लिए कुछ आराम है। मेरे पेट में दर्द रहता है, पेशाब कम आता है रुक रुक के, कब खाने से फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे आया हूँ, 8 रोज हो गए, दवा भी दिए, दवा खा रहा हूँ। सब ये चलता फिरता नहीं था, ये इसको चलने फिरने की दवा दिए, चलता फिरता है, खाना भी पहले नहीं खाता था यहाँ। अब पहले जबान नहीं थे यहाँ, ना दवा दे डाल, ना सब डॉक्टर, जब से ठीक हो गए पहले चलने सकते, हमारा मी मेरा भाई पकड़े चलना अपर वन। दुनिया में आज तेजी से बढ़ती लाइफ स्टाइल डिजीजेज हमारी खुद की लापरवाही का ही नतीजा है। चाहे बीमारियां छूत की ना भी हों, मगर इलाज करने वालों की नज़र में बीमारियां एक बड़ी ललकार बनकर सामने आई हैं। आइए जानते हैं इन बीमारियों के होने की कुछ आम वजहों के बारे में। 12 बजे खा रहा है, उसको टाइम ही नहीं, न खाने का कोई टाइम है, न सोने का कोई टाइम है। और इस सर आपका नाम जान सकते हैं, चले जाइए अपोलो चले जाइए या आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, जब आपकी अप्रोच में नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दैट, वो सब बेकार है। मैं समझता हूँ कि कोई घर ऐसा बचा होगा जहाँ लोग संक्रमित ना हुए हों या परेशानी ना हुई हो, उनको कोविड जैसे लक्षण तो थे लेकिन लक्षण देख करके वो बताया उन्होंने कि भाई हाँ ये इस टाइप का लक्षण आपको है तो यू नीड टू बी अवे फ्रॉम द पीपल, लोगों से दूर रहना है और आइसोलेशन में रहना है, बाकी घर के लोगों को नहीं संक्रमित होने देना है। 3-4 डेथ्स भी हुई इसकी वजह से। ठीक हो गए हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं आए हैं, पर अधिकतर जो लोग आए हैं वो सारे ही ठीक हो गए हैं। इनकी फैसिलिटी भी है, ये जितनी गांव में होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये पढ़े लिखे डॉक्टर होने का आपके गाँव में फायदा हुआ है आपको? हाँ जी, MD हैं ये। हाँ जी, और जो आस पास के गाँव हैं सभी को फायदा हुआ। तो आस पास के गाँव के लोग भी यही ज़्यादा आते हैं? बहुत लोग आते हैं,
काफी दूर दूर से भी आते हैं, बहुत से पेशेंट इनके पास दिल्ली से भी आते हैं, मेरठ से भी आते हैं। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने कोरोना में ऐसा तो नहीं कि बहुत पैसा कमाने की कोशिश की हो? ऐसा नहीं है, कम पैसा लिया है। अगर ऐसा होता तो ये गाँव में ही क्यों आते, शहर में हॉस्पिटल बनाते। तो ये बताइए कि ये अमूमन एक पेशेंट को ठीक होने में कितना पैसा, आपको कुछ आइडिया है कि कितने पैसे में एक पेशेंट ठीक हो गया? भैया बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होती है सुविधा की वो पैसे खर्च कर पाए, तब भी डॉक्टर साहब का ये है कि चलो जन सेवा समझ के उनका भी करते हैं। ओके, तो आप प्रधान है इसके नाते आपको जानकारी है? हाँ जी भैया। तो आपके गाँव में कोरोना का बहुत तगड़ा प्रकोप तो नहीं है? डॉक्टर साहब से फायदा हुआ गाँव का? हाँ जी भैया, मैं खुद डॉक्टर साहब से दवाई लेती हूँ। काफी इलाज करे इस बच्चे के, कई जगह दिखाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़े दिन आराम होता है फिर वही हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे बहुत फर्क है और यहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई, इन्होंने ये लगाई, अब इससे बहुत बेटर है। टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है। रिलेवेंट जो भी सर्विसेज हम बता सकते हैं, जो फीडबैक है, आप हमारे पेशेंट हैं मिस्टर, मेरा रोग ऐसे कैसे हो गया हुआ हमें जानकारी ना है, कोई फायदा नहीं बुझाया, तो आज हमने यहाँ आ गए। नोचनी सारी बदन में लगता है, खुद लाट जाते हैं, नींद नहीं आती है, चिंता में रह जाते हैं, रातों रात भर नींद नहीं आती है, उठ बैठ करके खाकते भी है, नोचते भी है, और ये रात दिन सुचिंता से लगता है कि कब हम मर जाऊँ, कभी क्या हो जाऊँ, हमको हकल काम नहीं करता, दिमाग में पागल जैसा लगता है। हम यही चाहता हूँ कि हमें किसी तरीके से यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल में, मैं अच्छा होकर के घर चले जाऊँ तो और बढ़िया बात है। महसूस करता हूँ कि कहीं लोग बाग जगह उठने बैठने में हमको शर्म लगता है, इसी वजह से तो कुछ कम है इलाज करने, कुछ कम है। इसके अलावा उसकी मकदार भी ये तय करती है कि खाना हमें हजम होता है या नहीं। सही मकदार और सही वक्त पर खाया जाने वाला खाना ही हजम होकर हमें फ़ायदा पहुंचाता है। मुझे ये बताया गया तली चीज़ें थोड़ी कम लें और जो है ना वो स्पाइसी मिर्च नमक मिर्च ज़रा कम लें, चिकनाई कम लें, ये परहेज बताया है उन्होंने। ज़रा मोटी हूँ, वेट कम कराने के वास्ते आई हूँ। सुबह में वॉक करना 6 बजे से 7 o'clock तक, फिर शाम में 5 o'clock से 6 o'clock तक। रोटी खाना, चावल सब नहीं खाना, गोश्त सब नहीं खाना, सूखी रोटी खाना, तेल नहीं लगा को खाना। परहेज यहाँ वही है, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला बादी चीज़ें खाने में मना है, जैसे भिंडी घुया वगैरह गोभी वगैरह मना किया हुआ उन्होंने। लाइट खाना खाओ। हमें कमर दर्द बहुत था तो हम इधर से दवा लेके गए, तो अब थोड़ा कम है, और टेस्ट कराने के लिए और आए हैं। हमें 21 दिन की दवाई, अंडा गोश्त मच्छी ये खाने के लिए मना किया था, और मसालेदार चीज़ कोई भी नहीं खाने के लिए। ठंडी और खट्टी और बादी चीज़ें मना कर रखी हैं, और जो है वो उनको छोड़ के। ये वाइट पैचेज हो रहे हैं हाथ पे है, पैरों में है, ये मेरे को 10-11 साल से हैं। परहेज़ मेरे को बताया है यहाँ पर, एक्चुअली में इन्होंने एक प्लान भी दिया था कि इस तरीके से आपको ये खाना है, ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें, मतलब खट्टा इस तरीके की चीज़ें, मतलब कि जो जिसमें बैक्टीरिया वाली कोई चीज़, इस तरीके की चीज़ें मतलब थोड़ा मना किया है परहेज, मतलब तेज़ मिर्च मसाला खाने के लिए, खट्टा चीज़ खाने के लिए, और ये थोड़ा सा बताया है उन्होंने कि इस तरीके से आप प्लान करें, इस तरीके से खाइए तो थोड़ा सा कुछ सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे मतलब 3 महीने से हूँ, मगर ये है कि धीरे धीरे इलाज हो रहा है, सुधार आ रहा है इनमें। डॉक्टर इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश, किसी तरह ये ठीक हो और हम सही हो जाए। मैंने हर जगह इनके इलाज किया, मगर इलाज करा रहा हूँ, चोट लग गई थी कमर में, तो उसको आराम मिलता है 1-2 महीना, लेकिन फिर दर्द चालू हो जाता है, उससे बहुत परेशानी थी कमर में, कुल्ले में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर मेरठ में और इधर मुजफ्फरनगर में कई जगह इलाज करा, लेकिन आराम नहीं मिलता। इससे पिछली बार आया था 15-20 दिन पहले, तो तुम दवाई दे दी थी इधर से, और आज बुलाया है फिर, तो अब थोड़ा ये फंस करा है इन्होंने, खून निकाला, थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा आराम महसूस हुआ। मुझे आराम मिला तो मैं दूसरे को बताऊँगा इंशाल्लाह कि इधर फ़ायदा होता है, अच्छी दवाई मिलती है। अभी इधर मैं रात में करीब 8 बजे साइकिल से जा रहा था मैं, और अंधेरा था, बिजली खंभे से टकरा गया, तो मेरा यहाँ टाँके भी आए मेरे, और ये तमाम चोटें आई तमाम, और बदन में जो है गुम चोटें हैं जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ है, और वरम है हाथों में बहुत ज़्यादा, रात में सो नहीं पाता हूँ। तो यहाँ शिकायत से मुझे फ़ायदा है, मेरठ मैंने इलाज कराया था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए फिर मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के इलाज से मुझे बहुत फ़ायदा है। इलाज करे इस बच्चे के,
कई जगह दिखाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़े दिन आराम होता है फिर वही हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे बहुत फर्क है और यहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई, इन्होंने ये लगाई, अब इससे बहुत बेटर है। टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है इलाज, बहुत फर्क पड़ गया बॉडी में, बहुत फर्क है, सिर्फ चेहरे पे रह गया इसके। जैसे मुझे बहुत फायदा हुआ है, पहले मुझे जो है जब मैं घूमने नहीं आता पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, जब से मैंने घूमना शुरू आज में चलने में उठने में बैठने में मुझे बहुत आसानी हो गई है और इससे मेरा ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है और शुगर बिल्कुल एकदम मेंटेन हो गई है, बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। मैं बीमार हो गया था अभी पीछे काफ़ी, तो डॉक्टर को दिखाया उसे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ था, मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, अब मैं पूरा फिट हूँ।